हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे आज हम पढ़ेंगे आर फेस्टिवल्स वी ऑलरेडी नो वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स अराउंड द ईयर वी न्यू क्लोथ्स एंजॉय स्वीट्स एंड ग्रीट इच अदर ऑन फेस्टिवल्स ये आपने सबने देखा होगा अभी तक कि आप डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल होली दिवाली मनाते हैं और होली और दिवाली पर डिफरेंट टाइप्स की स्वीट्स खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते भी हैं ठीक है वी विल नो what are the different types of festivals what are the different religious festivals celebrated by different religions what are our important national festivals how do we celebrate them ajam is a padhenge. most of the festivals are the occasions of having great fun we dress up new clothes we enjoy special dishes we greet each other india is a big country many festivals are celebrated in india देर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया लेट एस रीड अबाउट दैम देखिए इंडिया में बहुत सारी प्लेस होती हैं अलग अलग स्टेट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं ठीक है बहुत स्पेशल डिशेज बनती हैं जब कोई फेस्टिवल होता है आप डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ठीक है चलिए आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स रिलीजियस फेस्टिवल हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एनी रिलीजन सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स आर रिलीजियस फेस्टिवल वो होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि दिवाली ठीक है दिवाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ मार्क ऑफ लॉर्ड ड्रामाज रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर फोर्टीन ईयर्स ऑफ एग्जाइल पीपल क्लीन देअर होम्स एंड वर्क प्लेसेस बिफोर दिवाली देखिए दिवाली सब मनाते हैं आपके घर में सफाई होती है ना दिवाली से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं अपनी शॉप्स की सफाई करते हैं और दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं ओके दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि श्री राम जी जो है जिनकी आप पूजा करते हैं वो फोर्टीन ईयर्स के बाद अयोध्या लौट के आए थे ओके houses and shops are lit with candles and small electric bulbs at nights the hindus worship lord ganesh and lakshmi the goddess of wealth children play with crackers and fireworks gifts and sweets are exchanged with family and friends came. आपके जो घर हैं मैंने अभी जैसे बताया हाउसेस हो गए शॉप्स हो गई सब में लाइट्स लगाई जाती हैं बल्ब लगाए जाते हैं छोटे छोटे दिए या फिर कैंडल्स यूज कर ली जाती हैं ठीक है ठीके? शाम को आप गणेश जी और लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं ठीक है ठीके? हिंदूस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बच्चे क्रैकर्स चलाते हैं पटाखे फोड़ते होंगे ना आप भी दिवाली पे तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं देन आप गिफ्ट्स देखते हैं एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं एक दूसरे को ओके होली होली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इट इज़ द हिंदू फेस्टिवल इट कम्स ऑफिन इन द मंथ ऑफ मार्च इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर टू डेज एट द राइपनिंग ऑफ वीट एंड ग्राम्स देखिए होली जो फेस्टिवल है वो कलर्स का फेस्टिवल है ठीक है ये हिंदू फेस्टिवल है और ये मार्च में मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है बेटा होली होली हम मनाते हैं जब वीट या फिर ग्राम्स पक जाते हैं तब हम होली मनाते हैं ठीक है बसंत में मनाया जाता है ठीक है ऑन द फर्स्ट डे बोन फायर इज लिट इन द इवनिंग टू बर्न होलिका द नेक्स्ट डे चिल्ड्रन थ्रो कलर्ड वाटर एंड गुलाल ऑन ईच अदर गुजिया इज अ स्पेशल स्वीट डिश प्रिपेर इन होली, होली. देखिए जो पहला दो दिन होली आती है सबको पता है हम एक बोलते हैं छोटी होली और एक जो मेन फेस्टिवल होता है जिस दिन आप कलर्स से खेलते हैं तो जो छोटी होली होती है उस दिन हम होली का दहन करते हैं ना बोलते हैं ना आज होली का दहन है तो फायर्स बर्न करी जाती है ठीक है लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उसके नेक्स्ट डे ही आप गुलाल से खेलते हैं रंगों से खेलते हैं गुजिया सब खाते हैं ये स्पेशल जो डिश होती है वो बनाई जाती है ओके दशहरा दशहरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज इट इज़ मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल इट इज अन डेज फेस्टिवल फॉर नाइन डेज राम कुंभकरण एंड मेगानदहरा इज ऑल्सो कोल्ड विजया दशमी देखिये सबको पता है दशहरा दशहरा पे लोग आप जाते हो मेले वेले देखने जाते हो ना सब जाते हैं मेले देखने तो जो दशहरा है वो हिंदूज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है ठीक है उससे पहले जो नौ दिन होते हैं नौ दिनों में रामलीला स्टेज पर लगाई जाती है जिसमें राम जी के बारे में बताया जाता है ठीक है और जो टेंथ डे होता है उस दिन रावण कुंकरण और मेघनद के जो पुतले होते हैं उन्हें जलाया जाता है इस दिन को हम विजयादशमी भी कहते हैं ईद Eid is an important festival of Muslims. It comes at an end of the holy month of Ramadan. On this day, Muslims wear new clothes. They go to mosque and Eidgah is to offer namaz. After the prayers, they greet each other saying Eid Mubarak. A special sweet dish called sewai is prepared on this day. People give food and clothes to the poor. Dekhiye ईद जो है वो मुस्लिम्स का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ईद आता है रमज़ान के बाद रमज़ान एक पूरा महीना होता है एक तरीके से रमज़ान में लोग फास्ट रखते हैं और फास्ट रखने के बाद ईद पे वो फास्ट खुलते हैं ओके ईद पे लोग मोस्क जाते हैं प्रेयर्स करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं इस दिन जो इनकी फेमस डिश है वो है सेवई वो बनाई जाती है ठीक है

गुरु पर्व जो है वो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है सिखों का ठीक है जो टेंथ सिख थे उनका बर्थडे आता है गुरु पर्व पे ठीक है इसीलिए पर्व मनाया जाता है सिख जो होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं लंगर्स बांटने के लिए लंगर्स खिलाने के लिए ठीक है हिम्स जो है गुरु ग्रंथ साहिब से हिम्स चलती रहती हैं उन्हें वो सुनते हैं और जो गुरुद्वारा है वो प्रॉपरली डेकोरेट किए जाते हैं ठीक है लेट्स नो Guru Nanak Dev was the first and Guru Gobind Singh was the last Sikh Guru. Guru Nanak Dev was the first Sikh Guru and the aur jo last Sikh Guru was Guru Gobind Singh. The. Hai? Christmas Christmas is celebrated on 25th December every year. It is an important festival of the Christians. It is the birthday of Lord Jesus Christ. All the Christians go to churches to pray. People sing carols and enjoy cakes. churches आर डेकोरेटेड विद लाइट्स क्रिसमस ट्री इज़ beautifully डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड टॉयज इन द हाउस क्रिसमस ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ठीक है ये क्रिश्चियस का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे आता है ठीक है क्रिश्चन्स जो है चर्च जा प्रे करते हैं वो कैरोल्स गाते हैं स्वीट्स खाते हैं केक्स वगैरह खाते हैं ठीक है और जो चर्च है उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है लाइट से और लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री रखते हैं और उसे प्रॉपरली टॉयज और लाइट से डेकोरेट करते हैं ओके पोस्ट डू राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ये आप खुद से करेंगे नेशनल फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑल ओवर द कंट्री नेशनल फेस्टिवल वो होता है जिसे हर कोई मनाता है ये पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है लेट्स नो नेशनल फेस्टिवल आर कंसिडर्ड एज नेशनल हॉलीडेज जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन नेशनल हॉलीडेज भी होते हैं ठीक है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट एवरी ईयर ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हॉइस द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन डेली नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो होस्टेड इन स्कूल्स देखिए इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15th अगस्त को मनाया जाता है इस दिन 15th अगस्त को 1947 में इंडिया को आजादी मिली थी ब्रिटिश रूल से ओके इस दिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे भारत के वो रेड फोर्ट दिल्ली में फ्लैग होस्ट करते हैं ठीक है और सभी स्कूल्स में मेनली सभी स्कूल्स में भी 15th फ्लैग होस्ट किया जाता है और नेशनल हर नेशनल फेस्टिवल को हर रिलीजन के लोगों को मनाना चाहिए इसकी वजह से पीस और यूनिटी बनी रहती है लोगों में ओके रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन ट्वेंटी जनवरी So, every year 26th January is celebrated as the Republic Day. On this day, our new constitution came into force. On this day, a grand parade of armed forces, folk dancers, and school children is held at Rajput in New Delhi. The President of India hoists the national flag and takes the salute. Deekhe. Republic Day, Jo is on 26th of January. को मनाया जाता है ठीक है 1950 से मनाया जा रहा है ये ओके हर साल ये मनाया जाता है इसे रिपब्लिक डे बोला जाता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ रूल्स जो हमारे आ, इंडिया में आए थे एक बुक बनाई गई थी प्रॉपर रूल्स की वो जब लागू की गई थी उस दिन ट्वेंटी जनवरी था ठीक है बेटा इसे बहुत धूमधाम से बनाया जाता है एक ग्रैंड परेड होती है आर्म्ड फोर्सेस की फोक डांसेस भी आते हैं स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं राजपथ में न्यू दिल्ली में ओके okay? जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो फ्लैग होस्ट करते हैं उस दिन गांधी जयंती वी सेलिब्रेट द गांधी जयंती ऑन सेकेंड अक्टूबर एवरी ईयर इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वी ऑल्सो कॉल हिम बापू ऑन दिस डे द president, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर important पीपल विजिट राजघाट समाधि ऑफ महात्मा गांधी टू पे होम एज टू महात्मा गांधी people पीपल गैदर देयर एंड सिंह रामाधुन देखिए सेकेंड अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे आता है तो वो सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं ठीक है हम गांधी जी को बापू जी भी बोलते थे इस दिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पीपल है सब राजघाट जाते हैं वहां पे गांधी जी की समाधि है ठीक है वहां पे जाके गांधी जी के लिए प्रे करते हैं पीस के लिए प्रे करते हैं ठीक है बहुत सारे लोग वहां पे जाके गाना भी गाते हैं उस गाने का नाम है रामधुन ठीक है लेट्स नो besides these फेस्टिवल्स there आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स टू which आर सेलिब्रेटेड विन क्रॉप रायपन दे आर बैसाखी ओनम पोंगल एंड बिहू देखिए इन फेस्टिवल्स के अलावा कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जो कि तब सेलिब्रेट किया जाते हैं जब क्रॉप्स जो है पक जाती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉप्स पकने के बाद हम बैसाखी बनाते हैं ओनम पोंगल और बिहू इस तरीके के फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं ठीक है सम अप मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर द ओकेजन्स ऑफ हैविंग ग्रेट फन रिलीजियस फेस्टिवल्स हैव सम स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एवरी रिलीजन होली दिवाली एंड दशहरा आर सम इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स ईद इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स आर इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट एवरी ईयर इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टीन तो बेटा आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे